नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 2,739 स्कूलों में शुरू होगी स्मार्ट क्लास। बिहार में फसल क्षति का मुआवजा पाने के लिए जल्दी करें आवेदन। ईसी ने वोटिंग के 7 दिन पहले मतदाता पर्ची उपलब्ध करवाने का जारी किया। बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। मनाई जाएगी रामविलास पासवान की पहली बरखी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 2,739 स्कूलों में शुरू होगी स्मार्ट क्लास। बिहार के 2,739 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत होने वाली है, जिसके तहत ही अब बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के बच्चे अब बड़े साइज की टीवी स्क्रीन पर पढ़ सकेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से पहले चरण में 2,739 मिडिल स्कूल में स्मार्ट क्लास योजना को लागू करने की तैयारी हो रही है। हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास तैयार करने के लिए लगभग 2,40,000 रुपए खर्च होंगे। इस बाबत शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि बच्चों को डिजिटल डिवाइस के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। स्मार्ट क्लास में बच्चों को बड़ी स्क्रीन पर एडुकेशन सीडी का प्रदर्शन कर उन्हें खेल खेल में पढ़ाया जाएगा। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च समीर मुंबई ने निकाली रिक्तियां। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च मुंबई ने अप्रेंटिस ट्रेनिंग के कुल मिलाकर 42 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए ट्रेड की बात करें तो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रो प्लेटर, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पासा, आईटी और ईएसएम मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग तय किया गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10वीं या 12वीं पास और संबंधित ट्रेड में आईटीआई की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.sameer.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। सरकारी जमीन केस को लेकर सभी डीएम को जारी किया गया पत्र। बिहार में सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए और समय रहते नहीं रखने और सरकारी भूमि संरक्षण में शिथिलता लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारी कर्मियों को चिन्हित किया जाएगा, जिसके बाद विभाग भी वैसे लापरवाह सरकारी सेवकों के खिलाफ विभागीय और अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। जिन पदाधिकारियों या कर्मियों की कर्तव्यहीनता के चलते सरकार को क्षति पहुंचती है, उनके खिलाफ उक्त सरकारी और भूमि के समतुल्य राशि की वसूली की जाएगी। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारी को पत्र जारी कर दिया है। विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने भी सरकारी जमीन के संरक्षण में सरकारी पदाधिकारी द्वारा बरती जा रही शिथिलता को लेकर कई बार चिंता भी जाहिर की है। 20 अक्टूबर के बाद फिजिकल कोर्ट पर निर्णय। पटना हाईकोर्ट दशहरा की छुट्टी के बाद आगामी 20 अक्टूबर को कोरोना का जायजा लेते हुए कोर्ट के कामकाज को फिजिकली प्रारंभ करने की तारीख के संबंध में अंतिम निर्णय लेगा, जिसके साथ ही यह भी निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किस हद तक फिजिकल कोर्ट शुरू किया जाए। उक्त आदेश की सूचना पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल के आदेशानुसार पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल एनके पांडे ने दी है। ज्ञात हो बीते कुछ दिनों से राज्य के बार काउंसिल समेत विभिन्न अधिवक्ता संघों की तरफ से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग पर जोर शोर से आवाज उठाई जा रही थी। इस बाबत बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा और राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष रामाकांत शर्मा ने भी कोरोना काल में अधिकांश वकीलों के दयनीय आर्थिक हालात पर अपनी गंभीर चिंता जताते हुए सरकार से वकीलों को राहत देने की मांग बराबर भी की है। खुला लिवर ट्रांसप्लांट का ओपीडी। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में शनिवार से लिवर ट्रांसप्लांट ओपीडी खोल दिया गया है। हॉस्पिटल की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 2020 और 21 में अब तक कुल 15 लोगों ने स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट में रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिनके परिवार में कोई लिवर डोनेट करने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को ब्रेन डेड से लिवर की आवश्यकता होती है। सोटो से मिली जानकारी के मुताबिक 2020 में 10 लोगों ने और 2021 में अब तक 5 लोगों ने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। बिहार बोर्ड जारी करेगा इंटर नामांकन की दूसरी सूची। बिहार बोर्ड आज इंटर नामांकन की दूसरी सूची जारी करने वाला है, जिसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति OFSS के माध्यम से जारी करेगी। इसको लेकर एक विस्तृत अधिसूचना भी बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि OFSS के माध्यम से इंटर में एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसी आधार पर अब दूसरी चयन सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद आज जारी होने वाली दूसरी चयन सूची के आधार पर छात्र अपने मनपसंद संस्थान और संकाय में प्रवेश के लिए निबंधन करा सकेंगे। संस्था और निकाय के लिए निबंधन प्रक्रिया 12 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर 2021 तक चलेगी। बारिश को लेकर
जारी हुआ अलर्ट। राजधानी पटना में शनिवार की सुबह रिमझिम बारिश होने के बाद कई जिलों में आज बारिश के लिए तत्कालिक पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय कारणों से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बिजली चमकने और मेघ गर्जन के साथ ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है, जिसके तहत आज भी सारण, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, लखीसराय, जमुई, बांका, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार आदि जिलों में बारिश के आसार जताए गए हैं। वोटिंग के 7 दिन पहले मतदाता पर्ची उपलब्ध करवाने का जारी किया आदेश। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। इसी बीच अब राज्य निर्वाचन आयोग ने एक और ऐलान कर दिया है, जिसके तहत आयोग ने तैनात प्रेक्षकों को निर्देश दिया है कि वो मतदान के 7 दिन पहले मतदाताओं तक मतदाता पर्ची उपलब्ध करवा दे, जिससे उन्हें इस बार भी जानकारी मिल जाएगी कि उनका मतदान केंद्र कौन सा है, जिसकी मदद से वो आसानी से केंद्र पर आ सकते हैं और मतदान कर सकते हैं। जिसको लेकर ही राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ दीपक प्रसाद ने जानकारी साझा कर दी है। के साथ ही उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव में करने पर खुशी जाहिर की है। सीएम नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग में सभी से अलर्ट मोड में काम करने की अपील। कोरोना से बचाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को हाई लेवल मीटिंग की बैठक की। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अलर्ट रहने को कहा है, साथ ही साथ ये भी कहा कि बाहर से आने वालों की जांच अनिवार्य कर दी जाए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने मुंबई, केरल और तमिलनाडु से आने वालों को जांच जरूर से जरूर करवाने की बात कही है। साथ ही साथ बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के साथ सार्वजनिक स्थानों पर अलर्ट रहने का आदेश जारी किया है और कई नई गाइडलाइन पर काम करने की बात कही है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण में तेजी आने की बात कही है। साथ ही सीएम ने कहा कि लोग मास्क का प्रयोग हर हाल में करें, यह कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ अन्य वायरल बीमारियों से बचाव में उपयोगी है। साथ ही उन्होंने 2 लाख जांच करने की अपील भी की है। अब बिहार में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी नहीं करेंगे दुर्व्यवहार। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी और ट्रैफिक जवानों के दुर्व्यवहार को लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर से सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारियों को एक पत्र भेज दिया गया है, जिसमें प्रदेश के ट्रैफिक आईजी यातायात में तैनात पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मी ड्यूटी निभाने और वाहन चेकिंग के दौरान अपने आचरण का विशेष ख्याल रखेंगे। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो संयमित तरीके से एमवी एक्ट के तहत नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी अपने व्यवहार को ठीक रखते हुए चालान काटे या अन्य कार्रवाई करे, इससे आम लोगों के बीच पुलिस की छवि भी बेहतर होगी और आक्रोश का भाव नहीं पनपेगा। बरौनी कटिहार रेलखंड पर अभी भी परिचालन ठप। बरौनी कटिहार रेलखंड बिहार समेत पूरे देश को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेलखंड माना जाता है। हालांकि इसके बावजूद रेलखंड के डाउनलाइन पर 5वें दिन शनिवार को भी परिचालन शुरू नहीं हो सका, जिसके कारण डाउनलाइन की 4 गाड़ी पैसेंजर ट्रेन जहां 12 सितंबर तक रद्द है, वहीं 20 से अधिक ट्रेन को दूसरे रूट से चलाया जा रहा है। डाउनलाइन पर परिचालन ठप रहने से अपलाइन की गाड़ियों को भी नियंत्रित कर चलाया जा रहा है और सभी ट्रेनें काफी विलंब से चल रही है। परिचालन ठप रहने से लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों की माने तो साहेबपुर कमाल जंक्शन और उमेश नगर स्टेशन के बीच सिरैया गांव के समीप डाउनलाइन धस गई थी, जिसके बाद से ही इसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। पटना के सभी पीएचसी में बच्चों के लिए 5 ऑक्सीजन बेड रिजर्व। बिहार में वायरल फीवर तेजी से फैल रहा है, ऐसे में बच्चों में वायरल फीवर की संभावना को देखते हुए पटना जिला के सिविल सर्जन ने कहा कि बच्चों में वायरल फीवर के बढ़ते मामलों की गंभीरता को देखते हुए जिले के सभी पीएचसी को अलर्ट किया गया है। सभी पीएचसी के एमओआईसी को निर्देशित किया गया है कि अपने यहां वो ऑक्सीजन युक्त 5 बेड रिजर्व रखे, ताकि गंभीर स्थिति में अगर कोई वायरल फीवर से बच्चा पहुंचता है तो उसे एडमिट कर उसका समुचित इलाज कर ठीक कर उसे घर भेजा जा सके। इधर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि माइक से प्रचार प्रसार कर लोगों को सचेत और जागरूक करें, बच्चों में वायरल बुखार को लेकर अलर्ट और एक्टिव रहें। बिहार में फसल क्षति का मुआवजा पाने के लिए जल्दी करें आवेदन। अभी से कुछ महीने पहले ही यास तूफान बिहार में भी देखने को मिला था, जिसके कारण 16 जिलों में किसानों को काफी नुकसान हुआ था, जिसके बाद ही सरकार ने ऐसे किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया था और बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की बात कही थी, जिसके तहत जिन किसानों ने मुआवजे के लिए दावा कर दिया है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन किसानों ने नहीं किया है उनके पास आज तक का समय है। इसको लेकर सरकार ने 27 अगस्त से 12 सितंबर तक आवेदन करने का मौका दिया था। अब प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। मुआवजे के लिए दावा करने वाले किसानों के आवेदन पर जिला स्तरीय पदाधिकारी द्वारा सत्यापन जारी है। अब राज्य मुख्यालय से 9 टीमों को प्रभावित जिलों में फसलों की हुई क्षति और आवेदन की रैंडम जांच के लिए भेजा गया है, जिसके तहत बीते दिन टीम पटना, भोजपुर, बक्सर, अरवल, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार जिले में पहुंची थी। कृषि मंत्री ने
हरियाणा बिहार में खाद की है किल्लत। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बिहार में खाद की किल्लत की बात को स्वीकार कर लिया है। इस बाबत कृषि मंत्री ने साफ कहा कि कोरोना के कारण शिपिंग बंद है। भारत 30% खाद आयात करता है, जहाज खाद लेकर भारत नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि इसके बावजूद बिहार सरकार अग्रसर होकर इस मामले का निपटारा करने में लगी हुई है। यही कारण है कि खाद के स्टॉक को जरूरत वाले प्रखंडों में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए उन प्रखंडों से खाद लिया जा रहा है जहां पर जरूरत कम है, जिसके बाद खाद के रेक को डिमांड वाले जिलों में भेजा जाएगा। जरूरत को देखते हुए कालाबाजारी का काम भी जारी है। राज्य में प्रतिदिन 4 से 5 FIR इस मामले को लेकर दर्ज हो रही है। विभिन्न जिलों में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ 200 FIR अब तक हो चुकी है। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के हिसाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई। बिहार के सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि अब सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को हर महीने खर्च का हिसाब देना होगा। ऐसा नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है, जिसकी शुरुआत योजना और विकास विभाग से हुई है। इस बाबत विभाग के अपर सचिव संजीव कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि समय पर हिसाब नहीं देना कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा। इसको लेकर संबंधित लोगों पर अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। इस बाबत संजीव कुमार ने एक पत्र भी जारी किया, जिसमें उन्होंने योजना और विकास विभाग के क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के अधीक्षण और कार्यपालक अभियंता को संबोधित किया है। बाढ़ से निजात पाने के लिए नीतीश सरकार ने की विशेष पहल। बिहार में बरसात के दिनों में बाढ़ के कारण कई जिले तबाह होते हैं। ऐसे में अब नीतीश सरकार ने अपने बलबूते पर एक पहल की शुरुआत की है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार उत्तर और दक्षिणी बिहार की दो दो नदियों को जोड़ने की योजना बना रही है। बता दें कि दक्षिण बिहार की सकरी नाटा की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो वहीं उत्तर बिहार में बूढ़ी गंडक, बागमती और नून नदी को जोड़ने पर काम चल रहा है। इस योजना को लेकर बोलते हुए जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि अगले 1.5 महीने में काम पूरा कर लिया जाएगा। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो आगे बिहार की अन्य नदियों को जोड़ने पर भी काम किया जाएगा। भाजपा विरोधी नेताओं की बैठक में नहीं जाएंगे सीएम नीतीश। हरियाणा के जिंद जिले के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को आयोजित कार्यक्रम में बिहार सीएम नीतीश कुमार के शामिल होने के कयास लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने शनिवार को सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के साथ बिहार में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नीतीश कुमार किसी आवश्यक कार्य आने पर दिल्ली तक तो जा सकते हैं, पर आगे नहीं। ललन सिंह ने कहा है कि सीएम के आयोजन में नहीं शामिल होने की सूचना देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला को दे दी गई है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ कहा है कि इस दौरान पार्टी की तरफ से केसी त्यागी जिंद में मौजूद रहेंगे। आज मनाई जाएगी रामविलास पासवान की पहली बरखी। आज रामविलास पासवान की बरखी मनाई जाएगी, जिसको लेकर बीते कई दिनों से तैयारियां जारी है। इस बीच आज मनाई जाने वाली बरखी में कई बड़े चेहरे तो शामिल हो सकते हैं, साथ ही सबसे खास बात यह होगी कि चिराग के चाचा पशुपति पारस इसका हिस्सा बनने वाले हैं। भले ही राजनीतिक तौर पर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी दिख रहे हों, लेकिन अपने भाई की बरखी में शामिल होने के लिए चिराग और पशुपति पारस लंबे समय बाद एक साथ नजर आने वाले हैं। ज्ञात हो कुछ दिनों पहले चिराग ने खुद जाकर चाचा को बरखी में शामिल होने का निमंत्रण भेजा था, जिसके बाद पशुपति पारस ने भी बरखी का हिस्सा बनने की बात को स्वीकारा था। राजद के महामूर्ख वाले बयान से भड़के जदयू नेता। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नोट बांटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इस बाबत जदयू और भाजपा भी राजद का घेराव करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में जदयू नेता नीरज कुमार ने वीडियो के वायरल होने के बाद निर्वाचन आयोग से तेजस्वी पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसको लेकर राजद ने उन्हें महामूर्ख की उपाधि भी दी, जिस पर नीरज कुमार भड़क गए। उन्होंने राजद के इस बयान पर पलटवार किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चरवाहा विद्यालय से ज्ञान प्राप्त करने वाले हमको ज्ञान की चुनौती दे रहे हैं। गौरवशाली नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान नीतीश कुमार के कार्यकाल में ही हुआ है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के नाम जारी की चिट्ठी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन सीएम नीतीश के नाम एक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान की राज्य में प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों दिवंगत नेताओं की जयंती और पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित करने की मांग की। रघुवंश प्रसाद सिंह और रामविलास पासवान दोनों ही राज्य के महान विभूति होने के साथ ही प्रखर समाजवादी नेता थे। दोनों ही राजनेताओं ने अपने सामाजिक सरोकार और सक्रिय राजनीतिक जीवन के माध्यम से बिहार राज्य की उल्लेखनीय सेवा की। ऐसे में उन्हें यह सम्मान मिलना ही चाहिए।
राकेश टिकैत आएंगे बिहार। किसान नेता राकेश टिकैत जल्द ही बिहार के सीतामढ़ी जिले में आने वाले हैं। यहां से वो बिहार में आंदोलन का विस्तार करेंगे। इसको लेकर संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा उत्तर बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद किशोर ने जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि राकेश टिकैत ने कहा है कि 27 तारीख को भारत बंद के बाद वो सीता की धरती सीतामढ़ी, बापू के सत्याग्रह की धरती चंपारण और स्वामी सहजानंद सरस्वती की धरती पालीगंज और बिहटा के अतिरिक्त बिहार के अन्य भागों का कार्यक्रम तय करे। इतना ही नहीं, किसान आंदोलन को सफल बनाने में लगे टिकैत ने तीनों कृषि कानून रद्द करने, एमएसपी C2+50 पर कानून बनाने और साथ ही बिजली बिल 2020 वापस लेने सहित बिहार के किसानों की विभिन्न समस्याओं पर पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में गए बिहार के किसान नेताओं के साथ बीते दिन विशेष बैठक भी की। आरसीपी सिंह ने अभय कुशवाहा को बनाया अपना सेक्रेटरी। बीते दिन आरसीपी सिंह ने अपने सबसे चहेते जदयू के प्रदेश महासचिव और टिकारी के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी बना दिया है। जानकारों की माने तो आरसीपी सिंह अपने लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। जानकारों का यह भी कहना है कि पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह के खास लोगों को हटाने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब आरसीपी के इस कदम को लेकर राजनीतिक गलियारे में कई चर्चाएं हो रही है। यही कारण है कि बिहार में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई पूर्व विधायक किसी केंद्रीय मंत्री का एपीएस यानी कि एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी बना। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय तैराक मिहिर सेन ने 1966 में डार्डनेलेस तैरकर पार किया था। सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने 2008 में अपना नॉन बैंकिंग वित्तीय कारोबार बंद किया। भारतीय महिला टीम विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 2009 को आखिरी दौरे में अमेरिका को 3-1 से हराकर सातवें स्थान पर रही। न्यूयॉर्क में 2000 को अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन प्रारंभ हुआ। उत्तर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से एक महत्वपूर्ण समझौते पर भारत, ईरान और रूस के बीच समझौता। प्रसिद्ध संगीतकार शंकर विजयशंकर जयकिशन का निधन 1971 को हुआ था। भारतीय अभिनेता, गायक, पत्रकार और लेखक रंजन का निधन 1983 को आज ही के दिन हुआ था। मैनचेस्टर टेस्ट रीशेड्यूल करने की बीसीसीआई ने की पेशकश। भारत और इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज का पांचवा और निर्णायक टेस्ट कोरोना वायरस के चलते रद्द करना पड़ा। इस सीरीज के नतीजे के लिहाज से इस मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन आखिर में फैंस को निराशा हाथ लगी, जिसके बाद अब इस मुद्दे पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने भी अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भारत को दौरे को पूरा करने के लिए वापस लौटने की इंग्लैंड की उस मदद को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिसे 2008 में 26/11 के हुए हमले के कारण बीच में ही रोक दिया गया था। हाँ, मुझे लगता है कि यह सही कदम है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड सीरीज पूरी करने के लिए वापस भारत आए थे। टीका किसने लगवाया किसने नहीं, ये पता चलेगा अब आसानी से। कोविन ने हाल ही में एक नया एपीआई बनाया है, जिसका नाम नो योर कस्टमर क्लाइंट वैक्सीनेशन स्टेटस रखा गया है। अब इससे पता लगा सकते हैं कि किसने वैक्सीन लगवाई है और किसने नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार कोविन पोर्टल ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक खास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जोड़ा है। इस एपीआई की सहायता से होटल से लेकर रेलवे और मॉल तक में आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसने कोरोना वैक्सीन लगवाई है और किसने नहीं। सरकार का मानना है कि यह टूल बेहद ही काम की होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिया सिंह, शंकर मुखिया, अरविंद कुमार, मृत्युंजय कुमार, प्रेम शर्मा, अवधेश कुमार, रिया वर्मा, रामाकांत कुमार, अनवर कुमार, नुन्नू कुमार, अंकित कुमार, राजीव कुमार, प्रवीण कुमार, आतिक खान, अली हसन, नीतीश राणा, ऋषभ झा, सुनीता देवी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में सबसे ज्यादा मशहूर जगह घूमने की कौन सी है? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।